जब मैं बड़ी हो रही थी तो हमारे घर में कोई जानवर नहीं पाले हुए थे, जिसकी वजह से मेरा कभी उनके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं बना। पर जब भी मैं उन्हें बुरी हालत में देखती थी तो मुझे काफी दुख होता था, पर कभी ये समझ नहीं आता था कि मैं उनकी मदद कैसे करूंगी। अब जब पीपल फार्म की शुरुआत हुई तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखा करती थी, पर यहाँ पे जो एनिमल रेस्क्यू चल रहा था मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि एनिमल से मुझे डर लगता है, स्पेशली डॉग्स से। पर इसके बावजूद भी मैं उनकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए मैंने पीपल फार्म प्रोडक्ट शुरू किया ताकि मैं उनके लिए अवेयरनेस कर सकूं और साथ ही साथ उनके रेस्क्यूज के लिए फंड्स रेज कर सकूं। ठीक ऐसे ही आप भी 3 सरल तरीकों से एनिमल्स की मदद कर सकते हैं। पहला, आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी एनिमल वेलफेयर का काम कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हें अपने पैसे डोनेट करने हैं, आप उन्हें अपना वक्त और स्किल्स भी डोनेट कर सकते हैं। आप उन्हें रीच आउट करिए और पूछिए कि क्या उन्हें ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, एडिटिंग, फोटोग्राफी, कोई भी स्किल जो आपके पास है उसकी जरूरत है। दूसरा, आप जानवरों से आए हुए उत्पादों का बहिष्कार कर सकते हैं ताकि हर रोज जो लाखों करोड़ों जानवर बेरहमी से मारे जा रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। तीसरा, आप जागरूकता फैला सकते हैं। आप लोगों से बात करिए, अपने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए जानवरों पर जो क्रूरता हो रही है वो लोगों को बताइए। आप एक बार फिर लोगों को संवेदनशील बना सकते हैं और उन्हें याद दिला सकते हैं कि जो गली में भूखा कुत्ता है या बेसहारा गाय है या हमारी प्लेट में कटने वाला कोई जानवर है, उसे ठीक वैसे ही दर्द होता है जैसे हमें होता है। तो अगर आप जानवरों की मदद करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उनके साथ ही काम करना है, आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं।